हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल द एजुकेशन में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये चैनल नया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एरोप्लेन हम एमएस पेंट में कैसे बनाते हैं और एमएस पेंट की शॉर्ट रन कमांड क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले विंडो प्लस आर दबा दीजिए, फिर एक तो एमएस पेंट लिखने से भी आपका एमएस पेंट खुल जाएगा। अब आप चाहते हैं एक और तरीका क्या है तो देखिए, आप पी ब्रश भी लिख सकते हैं। पी ब्रश लिखने के बाद ओके कर दीजिए, ये आपका एमएस पेंट खुल गया। तो दोस्तों, आइए हम एरोप्लेन बनाना सीखते हैं, किस तरीके से हम एरोप्लेन बना सकते हैं एमएस पेंट में। सबसे पहले दोस्तों, आप इस लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर इस लाइन इस तरीके से खींचिए। दोस्तों, अब आप देख रहे हैं कि लाइन जो हो गई है हमारी टेढ़ी हो गई है, सीधी नहीं है। तो अब इसे हम क्या करें, क्या हम इरेज करेंगे? तो इस तरीके से हम मतलब इसे इरेज कर पाएंगे, मगर हम चाहते हैं कि हटा दें इसे एक ही बार में, तो कंट्रोल जेड दबाएं। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल प्लस जेड। तो आ जाइए, फिर इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। तो लाइन जो है बिल्कुल हमें स्ट्रेट कर खींचनी है, तो इसको शिफ्ट दबाएं, फिर लाइन खींचें आप इस तरीके से, और माउस की लेफ्ट क्लिक छोड़ दीजिए, और फिर एक नीचे भी लाइन खींच लीजिए शिफ्ट दबा के, ये इतनी, और फिर आप इसे सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ तक इसको आपको टच करना है। ठीक है दोस्तों, ये हमने कर दिया, और इसे थोड़ा यूं खींच लीजिए इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे भी लाइन खींच देते हैं हम, और ये इस तरीके से सही है। अब आ जाइए, यहाँ पे लाइन खींचते हैं, लाइन अब इसे यूं कर लीजिए खींच कर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमें बनाना है, तो आइए कैसे करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे लाइन खींचिए इस तरीके से, से ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो कंट्रोल जेड दबाइए, फिर शिफ्ट दबाइए, फिर माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसे यूं कर लीजिए। अब ये हो गया, फिर ये यूं कीजिए, इसे छोड़ दीजिए। कंट्रोल जेड दबाइए, इसे छोड़ दीजिए, और फिर इसको यहाँ पे ले आइए। इस तरीके से अब एक इस तरीके से लाइन खींचनी है। ठीक है दोस्तों, इधर पे लाइए, इसे यूं कर दीजिए, और ये मिल गई लाइन। अब हमें इसकी इस तरीके से बना लेते हैं, ये लाइन थोड़ी देख रहे हैं आप कट कट सी हो रही है, तो कंट्रोल जेड दबाइए, फिर से शिफ्ट के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक, फिर छोड़ दीजिए, फिर इसे यूं कीजिए, फिर आप इसे यूं खींच दीजिए, फिर यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। इस
अब इसे ऐसी ही आप ये लाइन लीजिए और इसे यहाँ से लेके यूं ड्रैग कर दीजिए। ये कंट्रोल जेड इसे सिलेक्ट कीजिए। ये दोस्तों काफ़ी मोटा हो रहा है तो इसको कंट्रोल जेड दबाइए और यहाँ पे एक पतला सा ये सिलेक्ट कर लीजिए। ये इतना रखिए, ठीक है दोस्तों। अब आप इसे सिलेक्ट कीजिए, तरीके से, और फिर एक बॉक्स जो कि इस तरीके से हो, और फिर इस तरीके से ले लीजिए। इसे थोड़ा हम डार्क लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब विंडो हम ड्रॉ करते हैं, पहले इस तरीके से आप करें। ये थोड़ा हमारा इसके पास नहीं आ रहा, इसके पास आना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों फिर से पतली लाइन ले लीजिए और फिर यहाँ और बना देते हैं हम गेट। नहीं, ये कंट्रोल जेड दबाइए, इसे सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पर आप इसे कर लीजिए, ये वाला सर्कल सिलेक्ट कीजिए, बीच में इसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब आइए इस पर कलर कर देते हैं। रेड सिलेक्ट कीजिए, ब्लैक, ये पेंट सिलेक्ट करके ब्लैक लेना है, सबको फिल कर दीजिए। इस सर्कल में कर दीजिए, ये
ये हो गया। यहाँ पर नहीं हो रहा है तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब जरा बादल बना लेते हैं। तो बादल हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। बादल पे भी कलर कर लेते हैं। यहाँ पे भी कलर एक इस पर थोड़ा ब्लू कर देते हैं। ये एक सिंपल एरोप्लेन है दोस्तों, ये बच्चों के लिए है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक और भी अच्छा बना सकते हैं। आइए टेक्स्ट टाइप करने के लिए एरोप्लेन ब्लैक ले लेते हैं। ब्लैक एरोप्लेन आप यहां से टैक्स स्टाइल चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये हमारा बन गया एरोप्लेन, एक सिंपल जिसे कोई भी बना सकता है आसानी से। ये डार्क कर दिया कुछ जारी हमें इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बन गया, इजी है और सिंपल भी है बनाना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों हम इस चैनल पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएंगे एक्सेल, एमएस एक्सेल के ऊपर, फोटोशॉप के ऊपर, टैली, ईआरपी 9 के ऊपर। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।